नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। बैग को चीरा लगाकर उड़ाया 30 तोला सोना, बदमाशों ने 12 तोरण पर आने पर दिया वारदात को अंजाम। भिलवाड़ा में महेश वाटिका में आयोजित शादी समारोह की घटना। मतदाताओं का दिल जीत ले तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बोले पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला पुलिस निरीक्षक कार्यालय सभाकार में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के लगभग 80 कार्मिकों को दिया गया आईरेड प्रशिक्षण। उपखंड अधिकारी सुशील सैनी ने हमीरगढ़ सीएससी पर अन्नपूर्णा रसोई की जांच की गुणवत्ता, साफ सफाई को लेकर संचालक को दिए निर्देश। शादी के सीजन के चलते बदमाश भी सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे ही बेखौफ बदमाशों ने सुभाष नगर थाना इलाके में विवाह समारोह स्थल पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि बारात जब तोरण के लिए आई तो काफी भीड़ थी और इसी का फायदा उठाकर समारोह में शरीक चित्तौड़गढ़ की एक महिला के बैग को चीरा लगाकर बदमाशों ने 30 तोला सोना और कुछ राशि उड़ा ली। वारदात का जब पता चला तो समारोह में शामिल लोग सकते में आ गए। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ की आरे कॉलोनी चामटी खेड़ा निवासी 54 वर्षीय पार्वती पत्नी प्रहलाद राय काकाणी भिलवाड़ा में महेश वाटिका में आयोजित शादी समारोह में आई थी। वाटिका में शाम 7 बजे बारात तोरण लगाने आई, उस समय काफी भीड़ थी। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने पार्वती के हाथ में पकड़े हुए बैग को चीरा लगा लिया और उसमें से 30 तोला सोना चुरा लिया। चोरी किया गया सोना बैग में पीले रंग के रैपर में रखा था। बताया गया है कि चोरों द्वारा उड़ाए जेवरात में 11 तोले का कंदोरा, 6 तोले के हथफूल, 5 तोला सोने के 3 बाजूबंद, 3.5 तोले की रखड़ी डोरा, 7 ग्राम सोने की अंगूठी, 4.5 ग्राम की नथ के साथ ही एक छोटा पर्स जिसमें 400-500 रुपए थे। उधर चोरी की इस बड़ी वारदात का जब काकाणी को पता चला तो वह सकते में आ गई। वहीं वारदात से समारोह में शामिल लोगों में भी खलबली मच गई। इसके बाद बदमाशों की तलाश भी की लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वारदात का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर अमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त टीमों की कार्रवाई का नेतृत्व किया। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बिगोद के नई आबादी क्षेत्र में स्थित गार्नेट फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 15 टन शुद्ध गार्नेट, 20 टन मिश्रित गार्नेट जब्त किया और 2 सेपरेटर मशीन जब्त की गई। जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी को फैक्ट्री को सील करने और मशीनें जब्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही अन्य गार्नेट फैक्ट्रियों को सील कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि खनन माफिया अवैध खनन गतिविधि संचालित करने की दोबारा हिम्मत ही ना कर सके। इसके लिए मूल स्रोत, बड़ी मशीनों व उपकरणों की जब्ती जैसे सख्त कदम भी उठाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। पूर्व मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि भिलवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में देश में अकेले राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो भाजपा से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है, पर इससे निराश होने की जरूरत नहीं, और कार्यकर्ता अगर पूरे तन मन धन से जुट जाएं और मतदाताओं का दिल जीत लें तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक दूसरे की कमियों को नहीं गिनाकर कांग्रेस की नीतियों की सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने देश के चहुंमुखी विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी नीतियों को राजस्थान ही नहीं वरन देश के लोगों ने भी सराहा है, परंतु राजनीतिक दावपेच के चलते राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, पर आज मजबूत विपक्ष की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही है। पूर्व मंत्री जाटव जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। भीलवाड़ा लोकसभा के लिए यहाँ पर हम लोग पधारे हैं, मेरे साथ जिलाध्यक्ष जी और हमारी पर्यवेक्षक हैं, मेरे साथ में हमारी विधायक लोकप्रिय श्रीमती इंद्रा मीणा जी, गायत्री जी और तमाम हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। और जिस तरह का राजस्थान की सरकार ने पिछली दफ़ हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम किए, उन योजनाओं को जिस तरह से बंद किया जा रहा है, उससे राजस्थान की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। आज 2 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हो गए, पर आज तक उनका कोई विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं बन पाया कि भाई हम लोगों को 2 महीने के अंदर काम क्या किया, जबकि उन्होंने 100 दिन का बनाया था, 60 दिन निकल गए, कोई काम हुआ नहीं। जनता में आक्रोश है और निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी से लोग 2 महीने में ही परेशान हो गए हैं। मंत्रियों के पास पीएस नहीं है, पीए नहीं है, और जिस तरह से राजस्थान में अभी पता ही नहीं चल रहा कि सरकार कोई है। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव वो मैं करूंगा बात, अरे वो भी कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उन सबसे बातचीत करके, जो उम्मीदवार होंगे उनसे सलाह मशवरा करके हम लोग चाहते हैं कि मजबूती से हम चुनाव लड़ें और राजस्थान में हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतें, ये हमारी प्राथमिकता। और हम भीलवाड़ा में व्यक्तिगत सभी हमारे कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश है, जो हमारे प्रत्याशी रहे उनमें सभी में बहुत बड़ा जोश है। लोकसभा के मुद्दे क्या रहेंगे सर आपके, ये बताएं आप। अभी तो घोषणा पत्र बनेगा हमारा, हमारा मुद्दा है कि वो 15 लाखों का वायदा किया था वो नहीं आए, वो आ जाए तो अच्छा है, 2 करोड़ रोजगार है वो लोगों को रोजगार मिल जाए वो बढ़िया है। हम जाते हैं संविधान बचे, देश बचे, जैसे जैसे पीपी मॉडल आ रहा है, एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम कंपनी को बेचा जा रहा है, LIC जैसी कंपनी को बेचा जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा देश कैसे बचना चाहिए। मैं कहता हूँ अभी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने एक मंत्री बना दिया, जबकि आचार संहिता में मंत्री नहीं बनता है, वो चुनाव हार गए, सरकार बनने के बाद ही तो हारे। गुरदीप सिंह जी कुन्नर जीत गए और उनके प्रत्याशी TT, हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत आपका अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नेता यहाँ पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, धीरज जी हमारा AICC मेंबर हैं और सभी लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव में चलता रहता है हर जीत, ये वही भीलवाड़ा है जो पहले विधायक यहाँ से जीते थे, ये वही भीलवाड़ा तो है, दूसरा थोड़ी है वही भीलवाड़ा, चुनाव में चलता रहता है। अब क्या समीकरण बने कैसे बने, कई बार बन जाती है और स्थितियां बन जाती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ का हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, यहाँ के लोग बहुत मजबूत है, जिलाध्यक्ष हमारे ऊर्जावान है, सभी हमारे प्रत्याशी है वो सब ऊर्जावान है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा यातायात पुलिस एवं अन्य हितधारक विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला पुलिस निरीक्षक कार्यालय सभागार में पुलिस, यातायात पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास न्यास, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के लगभग 80 कार्मिकों को IRED प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी, ASI गोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। सभी कार्मिकों को NIC द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उदयलाल द्वारा IRED ऐप में सड़क दुर्घटनाओं के रियल टाइम डाटा किस प्रकार अंकित किए जाए इस विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान IRED ऐप के संचालन में आ रही समस्याओं का निवारण भी किया गया। हाँ, हमने इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज के दिनांक जो IRED पोर्टल है, जो सड़क दुर्घटनाओं के जो डेटाज होते हैं उसको पोर्टल पे अपलोड करने के संदर्भ में जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत कई विभाग जुड़े हुए हैं जिनमें पुलिस है, परिवहन है और रोड ओनिंग एजेंसीज के प्रतिनिधि होते हैं, तो उन सबके लिए हमने एक कार्यशाला आयोजित की जिसके अंदर उनको IRED पोर्टल से संबंधित नवीनतम जानकारियाँ दी और पोर्टल के ऊपर सूचनाएं अपलोड करने के समय उनको क्या समस्याएं आ रही हैं उनको सुनकर उनको समाधान करने का प्रयास किया, उनका शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य के साथ ये कार्यशाला पुलिस SP साहब की अध्यक्षता के अंदर आज पुलिस सभागार के अंदर ये आयोजित की गई थी। हाँ, कुछ जो कार्मिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुए थे उनके पास पोर्टल से संबंधित अद्यतन जानकारी नहीं होने के कारण SP साहब ने उनके ऊपर थोड़ी नाराजगी व्यक्त की और बेसिकली ये कार्यशाला का उद्देश्य भी यही था कि उनकी जो जानकारियां हैं उनको और हम अपग्रेड कर सकें, उनको और अद्यतन कर सकें, उनको अपडेट कर सकें सभी कार्मिकों को, इसलिए सभी पुलिस थानों से एक एक प्रतिनिधि को आज अनिवार्य रूप से यहाँ बुलाकर उनको जानकारी दी गई। साथ में UIT के CMH ऑफिस से, PWD ऑफिस के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में उपस्थित रहे, उन्होंने भी अपनी जानकारी को बढ़ाया है। इस पोर्टल पर जितनी भी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनसे संबंधित आंकड़ों को उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है ताकि उस दुर्घटना के संदर्भ में सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकें, कोई भी जो विश्लेषण करने वाले अधिकारी हैं वो जानकारी दे सकें, जिससे ये जानकारी होगी कि किस क्षेत्र में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, किस कॉज की वजह से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, किस सेगमेंट के लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, दुर्घटनाओं में फैटल एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, ग्रीवियस इंजर्ड कितने हैं। ये सारे आंकड़े जब तक सरकार के पास रियल टाइम आंकड़े नहीं होंगे तब तक योजना बनाई जाना। श्रीमती केसरबाई सोनी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ संगम उद्योग समूह के संस्थापक रामपाल सोनी, राधा देवी सोनी, अनुराग सोनी, डॉ SN मोदानी, VK सोडानी व अरमान सोनी, अरेना सोनी द्वारा किया गया।
हॉस्पिटल सीईओ श्याम बिरला ने बताया कि शिविर में हेल्थ अवेयरनेस टास्क में मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा न्यूरोफिजिशियन व पेट आत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव बंसल द्वारा स्वास्थ्य परिचर्चा की गई, जिसे उपस्थित सभी श्रोताओं ने सराहा। इस अवसर पर मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद और सोनी हॉस्पिटल के सभी विशेषज्ञों को उनकी बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए रामपाल सोनी, डॉक्टर एस एन मोदानी व अनुराग सोनी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विकास मेडिकल कैंप की बस व्यवस्था की गई है। ये केशवभाई सोनी हॉस्पिटल का 33वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन करीब आज 150 से 200 यूनिट का जो है ब्लड डोनेशन होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से स्पेशलिस्ट जो है आए हुए हैं, डेफिनेटली भिड़वाड़ के आम आदमी को जो है इनका लाभ मिलेगा। सोनी हॉस्पिटल 33 वर्षों से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है अपनी सेवाएं जो है लोगों को दे रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत भिलवाड़ा जिले के विभिन्न विभागों को उनके यहाँ कार्यरत पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों की 100% पूर्ति करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता के दिशा निर्देशानुसार हमीरगढ़ उपखंड अधिकारी सुशील सैनी ने शहर में संचालित अत्पूर्णा रसोई एवं सीएससी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सीएससी पर अन्नपूर्णा रसोई का संचालन किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रसोई पर भोजन की गुणवत्ता की जांच की, भोजन की गुणवत्ता अच्छी मिली। रसोई पर कार्य ठेकेदार कर्मचारी को 2 माह से भुगतान में मिनरल वाटर सप्लाई का शुरू से उपखंड तक भुगतान नहीं होने पर उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया गया, जिसके संबंध में ठेकेदार को तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए। सैनी ने रसोइयों पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजना से लाभान्वित करने पर जोर दिया। अधिकारी ने रसोई के भोजन का स्वाद चखकर गुणवत्ता की जांच की, बर्तनों की प्रॉपर साफ सफाई को लेकर संचालक को निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। और मैंने खुद कूपन कटवाकर और खाना चखकर भोजन की गुणवत्ता की जांच की है। खाने की क्वालिटी से जो है वो मैं संतुष्ट हूँ। साफ सफाई के बारे में इनको निर्देश दिए हैं कि जो बर्तन है उनकी सफाई प्रॉपर रहे, थाली वगैरह उसके लिए, बाकी ओवरऑल व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक पाई गई हैं। भविष्य में आगे भी इसी प्रकार से उचित निरीक्षण करके जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य की जो केंद्र है हमीरगढ़ का, उसमें चिकित्सकों की कमी भी लोगों द्वारा बताई गई है, तो आप नवनियुक्त जिला उपखंड अधिकारी हैं, तो आपने अभी जो निरीक्षण किया है उसमें क्या कमी पाई गई है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? देखिए, अभी अपने सरकार की प्रथम प्रायोरिटी है वो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इसी संदर्भ में सीएचसी का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। नो डाउट डॉक्टर्स की कमी है और करीब करीब 2-3 और जगह भी निरीक्षण किए स्वास्थ्य केंद्रों के, वहां भी यही मिला है। तो इस संबंध में माननीय जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जो उनसे निवेदन किया जाएगा कि जहां कहीं एक्सेस डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ है वहां से लेकर उपखंड अमीरगढ़ की व्यवस्थाओं के लिए जो है वो डेप्यूट किया जाए। सीएमएचओ साहब से भी मैंने बात की थी, तो जल्द ही जो है इसका समाधान होगा। और ये जो आकस्मिक निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं के साप्ताहिक करने हैं, उसके अब परिणाम भी अच्छे आने लग गए हैं। सभी लोग समय पे आ रहे हैं और अपना कार्य भी बखूबी कर रहे हैं, और ये निरीक्षण आगे जारी रखे जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। उपखंड क्षेत्र में अब तक जो आपके द्वारा निरीक्षण किए गए, क्या कमी पाई गई है और इन कमियों पे या इन पे आपने आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई?
देखिए मैं कहूँ तो कुछ तो जो अपनी आम पब्लिक है वो अपने अधिकारों के प्रति यहाँ जो है वो कम जानकारी रखती है। कल जो प्रथम गुरुवार ये जन सुनवाई में हम कई गांव में गए थे तो आम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जन सुनवाई भी होती भी है, तो उसके लिए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी सरपंच साहिबान को कहा गया कि आप पहले से ही है वो लोगों में एक समाचार करवाएं कि प्रथम गुरुवार को प्रत्येक माह की सुनवाई होती है। कई जगह सरकारी कार्मिक भी अनुपस्थित मिले, उनके खिलाफ जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और जैसे ही उनके जवाब आएंगे उनके जवाब से यदि हम संतुष्ट होते हैं तो आगे उनको हिदायत दी जाएगी, अदरवाइज जो है उनके खिलाफ जो भी 17 सीसी 16 सीसी की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से ऑपरेटर्स के सामने आर्थिक परेशानियां आने लगी है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने संबंधित ठेकेदार व अस्पताल प्रशासन को अपनी समस्या बताई लेकिन इसके बाद भी उनको बकाया सैलरी नहीं मिल रही है। लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने से परेशान संविदा कर्मी नारायण लाल, कपिल चौधरी, रवि सोनगरा, दिव्या आसवानी, शबनम सिंपल, रानी बैरवा व नीलम ने बीएचएन को बताया कि 70 से ज्यादा संविदा कर्मी एमजीएच व एमसीएच में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें 3 माह से सैलरी नहीं मिली। जब भी सैलरी के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता, कभी बिल पेंडिंग का बहाना तो कभी कोई और बहाना बनाया जा रहा है जबकि बिल क्लियर हो चुके हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जुलाई से अब तक उनका पीएफ का भी पता नहीं। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने संबंधित ठेकेदार व अस्पताल प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया लेकिन कहीं से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा है। सैलरी नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संविदा कर्मी ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द सैलरी दिलाने की मांग की। जुलाई से अभी तक का कोई पीएफ जमा नहीं हुआ और जुलाई की सैलरी और नवंबर दिसंबर जनवरी तक अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं। काफी बार कॉल लगा दिया ठेकेदार को और अदर स्टाफ को भी बोला लेकिन कोई रिस्पांस नहीं रहा। कितने कर्मचारियों की सैलरी बाकी है और कितने दिन से बाकी है? सैलरी है लगभग सारे ही है, 70-72 जो भी कर्मचारी है सारा की पेंडिंग चल रही है 3 महीने से तो पेंडिंग और जुलाई का अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या कारण बता रहे हैं सैलरी नहीं देने का? कारण तो स्पष्ट कारण कुछ नहीं बता रहे कि कोई बोलता है बिल पेंडिंग चल रहे हैं, बिल भी यहाँ से क्लियर हो गए, लेटर से आगे पता भी नहीं है क्या प्रोसीजर है। बायोमेट्रिक मशीन का भी कुछ है क्या? नहीं है, उसका कोई इश्यू नहीं है। राजेंद्र मार्ग विद्यालय में आज मेरी स्मारक खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 10 विद्यालय के 100 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। बाबूलाल जाजू ने बताया कि बच्चों ने पेंटिंग से उत्कृष्ट छाया चित्र बनाए, राजस्थान के अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक इमारतों का चित्रण और लेखन किया जो बहुत ही सराहनीय है। मेरी स्मारक खोज प्रतियोगिता का आयोजन आज भीलवाड़ा राजेंद्र मार्ग स्कूल में हुआ। लगभग 10 विद्यालय के 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और बहुत ही शानदार स्मारक के छायाचित्र बनाए और 200 शब्दों का इन्होंने एक आलेख भी लिखा। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इंटेक के शिक्षा विद्यालय कार्यक्रम प्रभारी गोमान सिंह जी पिपाड़ा, वीरेंद्र जी शर्मा, राजेंद्र मार्ग के सोमानी साहब, सभी स्कूलों के शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बहुत बढ़ चढ़ के रुचि ली और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाई। भीलवाड़ा जिले और राजस्थान प्रदेश की अनेक स्मारक और ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व की इमारतों का इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा चित्रण तैयार किया और लिखा। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। सभी स्कूलों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी निभाई। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के सचिव मनोहर डुमुलिया ने बताया कि माधव गौशाला में शाखा की साधारण सभा की बैठक प्रांतीय पर्यवेक्षक सुमित जागेटिया के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में सचिव मनोहर डुमुलिया ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष राहुल मुणोत ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रांतीय पर्यवेक्षक के निर्देशन में सत्र 2024-25 के लिए अध्यक्ष शिवदयाल अरोड़ा, सचिव शंकरलाल छिपा एवं कोषाध्यक्ष समर शर्मा को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया।
शाखा के वरिष्ठ सदस्य मुकुंद सिंह राठौर ने अपने उद्बोधन में शाखा द्वारा वर्ष पर्यंत आयोजित किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगामी सत्र में नए दायित्वधारियों से भी पूर्ण समर्पण के साथ संपर्क, सेवा एवं संस्कार के कार्यों में पूर्ण संलग्नता की अपेक्षा की। सभा के अंत में अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। अब सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने की अनुमति नहीं दे सकेगी पंचायतें। शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने जारी किया परिपत्र। बिजोलिया तहसील के पचानपुरा ग्राम में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पंजा। लगभग 50 बीघा बिना नाम जमीन को कराया मुक्त। बिगोद में हुई बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री पर छापा मारकर 12 टन गार्नेट सीज। कार्रवाई के बाद गार्नेट का अवैध काम करने वालों में मची खलबली। भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 3 माह से नहीं मिला वेतन। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।